और फिर उसके बाद कैमरामैन के काटने हैं, जो कैमरामैन है मुन्ना सेठ। मुन्ना सेठ ये आपको दिखा रहा आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भरत गढ़िया देवभूमि उत्तराखंड के कनलगढ़ घाटी से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। चलिए जी, एक और नए दिन की शुरुआत भी हो गई है। घर पे अभी सिर्फ गुन्नू और मम्मी और रॉकी है। एक दिन की बारिश ने ना पूरा जो पहाड़ का मौसम है वो चेंज कर दिया है, और फिर से आ गए हैं हमारे जैकेट बाहर, और जो कि अभी दिन में तक रहेंगे धूप आने तक, फिर उसके बाद उतर जाएंगे। नीचे साइड गांव के नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत हो रहे हैं। मैंने भी गाड़ी ओ वहां लगाई है रतन चाचा के दुकान के आगे, लग गया हूँ रास्ता अभी दुकान के लिए। तो धीरे धीरे चलते हैं दुकान की तरफ और करते चलते हैं अपने दिन के जो काम हैं, दिनचर्या जो है उसको आगे बढ़ते रहते हैं। और आज संडे भी है और आज हमारे चाचा जी भी जा रहे थे, जो कि सब्सक्राइबर भी हैं मेरे, और अम्मा के श्राद्ध के लिए घर आए थे, जो श्राद्ध कल हो गया है, तो आज वापस से हल्द्वानी की तरफ। तो नीचे शहर में जो है गेहूं टिपने का काम जोर शोर से चल रहा है, और यही रह गए हैं अब तो थोड़ा बहुत अब, और कुछ कुछ हरे हैं जो लेट में बोए थे, जो पहले बोए थे वो हो गए हैं, जो लेट में बोए थे वो हरे ही हैं अभी। टाइम 10 बज गए हैं और अब भास्कर और दीपू दोनों आ गए हैं बाल काटने के लिए। तो आज संडे है तो स्कूल से इनके बाल काटने का ऑर्डर आ गया है, और नाई भरत नाई, और धूप भी खिली खिली सी आएगी है, और ऊपर वाले शहर में भी हमारे गेहूं हो गए हैं, तो लग गए हैं टिपने में गेहूं अभी यहाँ पे। तो धीरे धीरे ये शहर भी जल्दी ही ख़त्म होगा जैसे नीचे को हो रहा है, और लगभग कट ही चुके हैं, और कटिंग इसकी ऐसी हो रही शानदार वाली, ऐसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताना। फिर उसके बाद इसके काटने हैं, क्या है, भास्करानंद चार के, और फिर उसके बाद कैमरामैन के काटने हैं, जो कैमरामैन है मुन्ना सेठ। ये आपको दिखा रहा हूं इनके काटने फिर राजा बाबू के काटने हैं 18 साल के बाद बाल, तो मुंह मान लगना। हेलो गाइस, और ये इसका तो इसको टकला बनाना है, उतरा लगाना है। फिलहाल इसके बाल कट गए हैं दीपू भाई के, और जो कि ठीक लग रहे हैं स्कूल के हिसाब से, फिट है भैया। कट गए हैं दीपू के बाल अब, ये अब इसके बाद है नंबर मुन्ना का। यार क्या डबल नहीं आ रहा है, वहां कहां आ रही बहू का नहीं ना। और दीपू भाई ऐसे लग रहे हैं अब, कटिंग करके पूरा नीचे को जीरो मार दिया है, पूरा मिलाते हुए, सर में घाव है तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, और हमारे वहाँ गांव में ना बच्चों के सर में बहुत घाव होते हैं। टिप्पू के बाल कट गए हैं, अब है मुन्ना की बारी, फिर उसके बाद भास्कर वहाँ सर धो रहा पहले शैम्पू से, फिर काटेंगे इसके बाल, और फिलहाल अभी मुन्ना के बाल काटते हैं। भैया ये बड़े बाल ना सब निकालने हैं आज, सब छोटे छोटे बनाने हैं इनको, यार इतने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं। साइड ये मतलब बड़े बालों को छोटे करने में ना मजा बड़ा आता है, न जाने कितने सालों से रखे थे इतने बड़े बाल, आज फाइनली मैंने काटे तो मैं छोटा करूंगा। छोटे छोटे बाल ना अच्छे लगते हैं स्कूल के, ज्यादा बड़े बाल बुद्धि का ग्रोथ कम होता है। अभी ना कुछ ऐसा लग रहा मुन्ना, और बाल अभी पूरे से तरीके से सेट नहीं हुए हैं, और मेरी आ गई है मुर्गी की गाड़ी, तो मुर्गी उतारते हैं पहले, फिर काटेंगे मुन्ना के बाल। जय गोलू देव। वीडियो मस्ती का डाल रहे हैं तेल, क्या वीडियो बनाने लगे भैया। अब ऐसे लग रहा है मुन्ना भाई, मुन्ना सेठ, जो कि बाल हाल काट के अब स्कूल की कटिंग फिट होगी है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, सीधे करने हैं बाल, बाकी ओके चारों तरफ से। संडे है ना, संडे के दिन बहुत बाल काटने वाले कस्टमर मिले हैं, और भासु का तो अभी नंबर ही नहीं आया, भासु कैमरामैन है आज का, कैमरामैन के बाल नहीं कटेंगे आज।
तो फाइनली अभी भासु के बाल भी कट गए हैं, अब सबके बाल कट गए हैं, अब ऐसा लग रहा है क्यूट सा बच्चा। उससे पहले लग रहा था आदि मानव, जैसे कि अभी दर्शन लग रहा है। ये बोर्ड के पीछे छिप के क्या करेंगे, कैमरा दोनों साइड से आ सकता है ये। चलिए ये आज की कटिंग भी हो गई है, 4 लोगों की कटिंग की है टोटल मैंने, ठीक है। और करीब 1 से 1.5 घंटा लग गया 4 लोगों के बाल काटने में, अभी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी ना। तो अभी दोस्तों यहाँ के जो काम थे वो कर दिए हैं, जितने के बाल काटने थे वो काट दिए हैं। तो अब टाइम भी 2 बज गया है, मैंने भी खाना नहीं खाया है, तो चलते हैं नीचे घर की तरफ खाना खाने के लिए। और आजकल गेहूं चूटने का काम तो है नहीं, क्योंकि गेहूं सब चूट दिया है हमने। यहाँ पे भी सारे गेहूं सुखाने को लगाए हैं। और ये हैं जौ, उस वाले खेत के जो यहाँ पे खेत था ना, उस खेत के जौ हैं ये। और अभी पूरे हुए नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा करके जो जो बाली होगी उसकी उसको तोड़ के सुखा रहे हैं, और जैसे पूरे होंगे फिर छूटेंगे इनको, बस लास्ट यही बचा है। और मैंने भी खाना आना खा लिया है अभी, तो मैं भी चलता हूँ अपनी दुकान की तरफ। और नीचे सर शेयर में भी गेहूं सब टिप दिए हैं ये, खाली एक दिख रहा है यहाँ पे, एक ही खेत दिख रहा है, बाकी सब टिप दिए हैं। अब ऊपर वाले बैसानी में बचा है, जो कि आज के लिए स्टार्ट किया है वहाँ गेहूं टिपना, वो भी लगभग लगभग 2-4 दिन में अब ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि गेहूं भी सारे हो गए हैं ना। इसलिए नीचे गाँव का माहौल भी काफ़ी सुनसान हो रहा है, धूप लगी हुई है, धूप में गर्मी नहीं है वैसे भी, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो उतनी गर्मी लग नहीं रही है, उमस पड़ रही खाली। टाइम भी 5:30 होने को आ गया है, और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ पहाड़ों का मौसम भी क्या खूबसूरत। और इस साइड को लोग बाग भी अपने खेतों में आ गए हैं गेहूं टिपने के लिए। और इस शहर में अभी इतने सारे गेहूं रहे हैं, जो कि कुछ दिनों में हो जाएंगे, आधे तो हो गए हैं, कुछ कुछ ही लग रहे हैं यहाँ पे हरे हरे। आज हमारे रोशनदा के भी ये गत्ते सारे बिक गए हैं। पार साइड भी कुछ कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, जो कि गांव से बाहर थे, शादियाँ अटेंड करने के लिए गांव में। अब 2-4 दिन की चहल पहल गांव में रहेगी, फिर उसके बाद वही पुराना वाला गाँव हमारा। इस साइड को भंडारे जी लगे हैं मौसम का आनंद लेने में। और ये है भाई साहब हमारे पंकज भंडारी जी, बैसानी स्कूल के क्या हुए प्रयोगशाला सहायक, यानी कि लैब असिस्टेंट। और ये भी गांव में नया नया आया है आजकल, ये भी गांव में दिख रहा है अब इसको है? आधा किलो चिकन, इनको आधा किलो चिकन चाहिए भैया। और ये हैं धन सिंह बूबू जी। और नीचे से ऊपर को गेहूं टिप दिए गए हैं, यहाँ लगे हैं भैया गेहूं टिपने में नीचे साइड को, क्योंकि इस साइड को जो है वो हो गया है, यहाँ नीचे भी ख़त्म हो गया है, इधर भी ख़त्म, अब इधर। और सामने आ गया अब कैलाश चचा की कार लाइट मारते हुए। ये है दोस्तों हमारे कैलाश चचा जी। और हमारे मदनदा भी आ गए हैं हल्द्वानी से, जिनकी गाड़ी मतलब यहाँ पे लगती है, और इसमें बैठ के आए नेहा। आगे से आए रामपाल जी, भैया वीडियो बना रहे करके ना छुप गए पीछे। ये है भैया मदनदा, ये रामपाल। अभी दोस्तों मेरे भी दुकान के काम हो गए हैं, और वीडियो अपलोड करनी थी वो भी हो गई है, और आधी दुकान मैंने बढ़ा दी है और आधी अभी बढ़ाना है। दुकान बढ़ाता हूँ और चलते हैं फिर घर की तरफ। घर पहुँच के दोस्तों अभी खाना ना खा लिया है, और अब मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि सब घर वाले सो गए हैं, टाइम भी 10 बजने वाला है। तो फाइनली कुछ इस तरीके से था आज का दिन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।